पॉइंट वन है, क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट है। एस्टिमेट दी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये डाटा दिया हुआ है और फिर इसके दो पॉइंट्स हैं। पहले हम रिग्रेशन लाइन निकालते हैं और फिर इसके दोनों पॉइंट देखते हैं। रिग्रेशन लाइन कैसे निकालनी है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये वैसे ही निकालनी है जैसे हमने 14.1 के पहले दो सवाल के सारे पार्ट्स किए। तो वैल्यूज हमें दी हुई थी, एक्स की ये वाली वैल्यूज हैं, वाई की ये वाली वैल्यूज हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, बी इज इक्वल टू एक्स समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन समेशन एक्स का होल स्क्वायर। आप जो है वो दूसरे फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने इंट्रो में दिए हैं, ज़रूरी नहीं आप ये यूज़ करें। तो एक्स वाई आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम सारा आ जाएगा। इसका समेशन जो है वो 12905 है। इसी तरह एक्स स्क्वायर का आप निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स वाली वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाएंगे तो आपके पास ये कॉलम सारा आ जाएगा, 8875 इसका होल आ जाएगा। समेशन एक्स 225 है, समेशन वाई 361 है। एक्स बार आपको पता है हम निकाल लेंगे, समेशन एक्स ओवर एन समेशन एक्स 225 है। एन इनकी वैल्यूज की तादाद होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह वाई बार निकालेंगे, 361 है ओवर 6 से डिवाइड करेंगे तो 60.2 आ जाएगा। सारी वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा -1.46। ए के लिए वही फार्मूला है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस वी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू हमने निकाली थी 60.2 माइनस बी की अभी निकाली -1.46 और एक्स बार के 37.5। तो ये हमारे पास आ गया 114.95। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, वाई कैप इज इक्वल टू 114.5 प्लस बी की वैल्यू और इंटू एक्स 114.5 माइनस 1.46 एक्स। अब हम इसके देखते हैं, कहता है इज़ इट पॉसिबल फ्रॉम द इक्वेशन यू हैव फाउंड, जो इक्वेशन आपने निकाली है उसमें पॉसिबल है क्या एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो वाई जो है वो 54 हो। एक पॉइंट देख लें, वो कह रहा है कि अगर हम एक्स की वैल्यू आपको दे रहे हैं, वाई की वैल्यू दे रहे हैं जो कि है कितनी 54, तो क्या एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये आपने याद रखना है, जब भी हम इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो उसमें से आप सिर्फ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू नहीं कर सकते। यहाँ वाई कंट्रोल्ड है क्योंकि हम वाई की वैल्यू से निकाल रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाई कंट्रोल्ड है, क्योंकि हमने इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकाली है। अगर इक्वेशन होती है एक्स ऑन वाई तो फिर आप वाई की वैल्यूज रख सकते थे, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। पहले पार्ट जो है उसमें आप कहेंगे कि एक्स वाई जो है वो कंट्रोल्ड है, जैसा कि उसने आंसर में भी दिया हुआ है, ठीक है, नो एक्स इज कंट्रोल्ड। सेकंड पार्ट है, कहता है एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू वाई, वाई की वैल्यू का एस्टिमेट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 37। हाँ जी, तो ये इक्वेशन है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हम 37 उसने कह रखें, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे जो हमने इक्वेशन निकाली हुई है पहले, तो ये सिंप्लीफाई करें तो 60.48 आ जाएगा आपके पास।